नहीं आज आम प्रतिवाद कलु भारतीय जनता पार्टी जो निरवच्छिन्न भाव में जो उद्यम करुच्ची अभिसंधि रखिकी राहुल गांधी को एवं गांधी परिवार को जनता दरबार में अपदस्थ करने विभिन्न प्रकार कुश्चा रटना करवा आरंभ कर भ्रम प्रचार सब कर खराब प्रचार करुँचार प्रतिवाद करुचु एवं राहुल गांधी को जो धमक दौंटे आम जीव काटी नबू किए जीव काट लक्ष पाइब आतंकवादी घोषणा करतंकवाद कार्यक्रम ये सब कुछ करवा पचरे होने राहुल गांधी को भय कर भयर परिप्रकाश यह भाव करने चाहते हिंसार पथ आपणवा चेष्टा करेस अहिंस आंदोलन कर शिखी अहिंस विचार बढ़ी शिखी आगे बढ़ोर सब षड़ को भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार षड़ लोकंकर आवाज होची लोकंकर स्वर होची पार्लियामेंट भितरे भी पार्लियामेंट बाहर भी विभिन्न विभिन्न राज्य रे मध्य तो सेटा से माने सही पारु नहंती जोटा अपोजिशन पाई आपण देखिबे जे लैटरल एंट्री गोडे चेष्टा करितले यूपीएससी रे पुरे आपै ताकु वापस विथड्रॉ करले क्रीमी लेयर रिजर्वेशन से ही पडला नाही विभिन्न विभिन्न जिनसो को एक्सपोज करा जाई छी ता चाहे नीट कथा कोहंतु की डिफरेंट अलगा सब स्कैम गुडा को से माने सही पारु नहंती कि अपोजिशन एंट्री राइज करूची जोति पाई कि गोटे से पदर रही गोटे मंत्री पदर रही गोटे स्टेटमेंट दबा एटा के उचित से लोक जानते गोटे हिंसा गोटे वायलेंस चेष्टा कर कंट्री आोटा कि आम भारत में किसी जगह ना आउ एज अपोजिशन आम कर्तव्य आम लोक समस्या नहीं सरकार नजर पहुंचेबू ताकू से चाप पकेवा चेष्टा कर चपे आम आसबू ना जो कि भारत में आज देखिए विभिन्न विभिन्न राज्य सबुआड़े एमती आज का डेट रे घेराव चली गोटे लेसन दवापाई गोटे जनवाई सरकार को कि आप पदक्षेप नहीं भावुं लोक मैंने से ही हवारे चली कि आम दबिजु से हम ना तो आर एफआईआर भी आज ये लंच कर और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री चुप होकर बैठे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय कांग्रेस पार्टी के चिट्ठी लिखे है उसका कोई रिप्लाई आया नहीं है। इसके खिलाफ आज यहाँ पे हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को ये इससे शांत रहो, ये तो सारे हिंदुस्तान में कांग्रेस और जनसाधन इसके खिलाफ जोरदार आंदोलन करेगा। हम लोग सब राहुल जी के पीछे खड़े हैं और आज यहाँ पे एफआईआर दर्ज किया जाएगा वो चारों के नाम में तुरंत उनको गिरफ्त करने के। नाम बताइए। हमारे जो बिटू साहब हैं केंद्रीय रेलवे मंत्री, संजय गायकवाड़ जी जो है शिंदे ग्रुप के महाराष्ट्र के मंत्री, सिंह साहब जो है यूपी के मंत्री और एक बीजेपी के राजनेता जो टिप्पणी दिए हैं वो चारों के खिलाफ आज यहाँ पे एफआईआर दर्ज कर रहे हैं और बीजेपी को चेतावनी दे रहे हैं कि बीजेपी के जो कार्यालय में लोग बैठे हैं उनको ये आवाज पहुंचना चाहिए कि तुरंत सुधर जाए, नहीं तो आगे चल के कांग्रेस उनको रास्ते घाट में चलने नहीं देगा। हर जगह प्रधानमंत्री को विरोध होगा। चेतावनी दिया हूँ नरेंद्र मोदी को बीजेपी सरकार को तुरंत सुधरी जातु एवं एक्शन नियंतु जो मैंने कार्यक्रम कर दल एलायंस पार्टनर जो मैंने कही सामिल अच्छा चार जन व्यक्ति ये राहुल गांधी जीव काटिदेबू मजा अच्छी आस राजस्थान में देखा तुम केम अच्छी जीव काट क्या भाषण भितर सीमित रोचान यार जवाब आगामी दिन में ओडिशार नहीं दिल्ली पर्यत राजस्थान दिया शांति प्रिय देश भारत वर्ष एक सिक्युलर कंट्री इसके जिस तरह भारतीय जनता पार्टी सरकार के एक मंत्री, शिवसेना के एक मंत्री, महाराष्ट्र के यूपी के एक मंत्री, बीजेपी के नेता जो टिप्पणी दे रहे हैं जो संविधान के विरोध दल के पद में बैठे हुए हैं राहुल जी के खिलाफ, ये कभी भी भारत के जनसाधारण ग्रहण करेंगे नहीं। महात्मा गांधी का अहिंसा नीति में कांग्रेस आगे जा रहा है और ये भारतीय जनता पार्टी